देखिए, इस तरह हम घर में आसानी से भुजिया या सेव बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम खर्च में, और बाजार से भी अच्छा है ये, ज़्यादा है। और देखिए कितना सॉफ्ट भी बना है और खाने में भी बिल्कुल स्वादिष्ट बना है, बहुत स्वादिष्ट बना है। मेरे वीडियोस पसंद आए लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेसन सेव बनाने के लिए मैंने लिया है 3/4 कटोरी तेल, रिफाइंड तेल लेंगे कोई भी, और इतना ही पानी लेंगे और उसी मेजरमेंट से इतना ही पानी लेंगे इसमें, और इसको लगातार चलाते जाएंगे। इस बाउल से इस बड़े बाउल में इन्हें डाल देंगे ताकि आसानी से मिक्स कर सकें इसको, और लगातार चलाते हुए इसको ऐसे तब तक जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, बिल्कुल मक्खन जैसा ना बन जाए। लगातार चलाते जाना है इसको, इस तरह लगातार चलाते हुए इसको इस तरह से सॉफ्ट कर लेंगे, और जितना ज़्यादा इसको इस तरह मिक्स करेंगे ये जो भजिए हैं वो और ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। तेल और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसमें उतना ही बेसन डालेंगे कि ये अच्छे से इसका डो बन सके, और इसमें और एक्स्ट्रा पानी या तेल कुछ नहीं डालना है। और सभी मसाले इसमें ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे या आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं कम या ज़्यादा, और नमक डालेंगे। हाँ, साथ लौंग काली मिर्च को भी कूट के इसमें डाल देंगे, और अजवाइन हल्दी पाउडर डालेंगे, चौथाई अजवाइन डाल देंगे, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जरूरत पड़ी तो और बेसन भी लेंगे, अभी इसमें और बेसन की आवश्यकता है। ये देखिए, इसमें थोड़ा और बेसन मिक्स करके मैंने इसका अच्छा सा डो तैयार कर लिया है, और अभी इसको आधा घंटा ढक के रख देंगे रेस्ट के लिए, फिर इसकी सेव बनाएंगे। ये ऐसा सांचा लेंगे, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और इसमें ये चार तरह के होते हैं सांचे, इसे हम जिस तरह का चाहे उस तरह का सेव बना सकते हैं, बारीक मोटा या पपड़ी टाइप, और ये तारे का। अब इसमें ये जो डो है वो डालेंगे, इसको पहले ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस कर लिया है इसको, पहले मैं ये तारे वाला सेव, ये इतना डो लेंगे और इसमें डाल देंगे, और इसको बंद करेंगे। मैंने डो डाल दिया है, अभी इसको घुमाते हुए इसके हम इसे तैयार करेंगे। देखिए, इस मशीन से मैंने इस तरह से इसमें निकाला है, और अब इनको धीमी आंच पे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह सिक गया है, फ्राई हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे। ये अच्छी तरह से फ्राई हुआ या नहीं इसके लिए चेक करने के लिए देखेंगे कि ऐसे एक टुकड़े को तोड़ के अगर ये इस तरह आसानी से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, इसका मतलब ये सिक चुका है। इस तरह बाकी सारा सेव भी हम बना लेंगे। अब इस टाइप के थोड़े से बारीक भुजिया बनाएंगे, ये जाली इसमें डाल देंगे, और ये आटे का डो है, जो डो है ये इसमें डाल देंगे, इसको बंद कर देंगे। इस तरह सारा सेव हम बना लेंगे, इसको घुमाते जाएंगे ऐसे।
देखिए इस तरह निकाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे। एक बार तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसको फिर मीडियम लो पे करेंगे। देखिए इस तरह फ्राई हो रहा है और इसको चेक करने के लिए देखेंगे कि अगर ऐसे हाथ में लेके ये अच्छे से टूट जाता है इसका मतलब ये सिक्का है, पर अभी ये नहीं सिक्का है। थोड़ा सा इसको और फ्राई कर लेते हैं। इसको निकालेंगे। एक बार से साइड में झाड़ के इसे उसको बाहर निकाल लेंगे। बाकी सारे डोसे भी सेव बना लेंगे, भुजिया बना लेंगे। देखिए इस तरह हम घर में आसानी से भुजिया या सेव बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम खर्च में, और बाजार से भी अच्छा है ये, ज़्यादा है। और देखिए कितना सॉफ्ट भी बना है और खाने में भी बिल्कुल स्वादिष्ट बना है, बहुत स्वादिष्ट बना है। मेरे वीडियोस पसंद आए लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।